मेरी आँखों में बस गया कोई रे, मेरी आँखों में बस गया कोई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। मैंने रिसेंटली एक गाना रिकॉर्ड किया है, तो वो भी 50s का गाना है। और आज ये जो गाना ले रही हूँ मैं, तो ये 40s का कह लीजिए या नियर अबाउट 50 के, क्योंकि 1949 का बरसात फिल्म का ये सॉन्ग है। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। और जोड़ी बिल्कुल वही है जो मैंने पिछले सॉन्ग में ली थी। मतलब मैंने क्या ली थी, जोड़ी बनी हुई है। जैसे कि उस फिल्म का नाम था चोरी चोरी, यहाँ हम बरसात का सॉन्ग ले रहे हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अभी पुराने ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग गाने का बहुत मन कर रहा था। तो बरसात फिल्म से है, 1949 की ये फिल्म है। और सेम इसमें अदाकारा नरगिस जी हैं और शंकर जयकिशन जी की, हसरत जयपुरी जी की भी जोड़ी है इसमें। और फिर वो जोड़ी भी वही है, राज कपूर और नरगिस जी के पर ये फिल्माया गया सॉन्ग है। इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा गाती हूँ, थोड़ा सा आलाप आपको अलग लगेगा, ओरिजिनल आलाप अलग है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं मुखड़े से, पहले आलाप से फिर मुखड़ा आएगा। फिर हम इसमें एक गाने में दो अंतरा है, दोनों गाने के बाद में या बीच बीच में इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरी आंखों में बस गया रे, मेरी आंखों में बस तो था मुखड़ा। इसका हम पहला अंतरा लेते हैं। मुस्काए जब रात की बिंदिया, मुस्काए जब रात की बिंदिया, उड़ जाए आंखों से निंदिया, उड़ जाए आंखों से निंदिया, ठंडी 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 मैं आहें भरूं, ठंडी ठंडी मैं आहें भरूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं, मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मुहे नींद ना आए मैं का करूं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है ना कि जब मुस्काए जब रात की बिंदिया, रात रात भर नींद नहीं आती है, और उड़ जाए आंखों से निंदिया, चैन लुट जाता है, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है रात दिन। जिसको चाहते हैं ना उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, और प्रेमी की याद में वक्त ठहर सा जाता है। तो इसमें हीरोइन को सूझ ही नहीं रहा है, इसीलिए वो कह रही है ठंडी ठंडी मैं आहें भरूं क्या करूं। लग रहा है ये हम सभी से पूछ रही है, क्या जवाब देना चाहिए बताइए। चलिए देते रहेंगे हम, सेकंड स्टारा अंतरा को हम स्टार्ट करते हैं। बात करे जब चांद सितारे, बात करे जब चांद सितारे, जल बरसाए नयन हमारे, जल बरसाए नयन हमारे, तेरी याद में रो रो मरूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं, मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मोहे नींद ना आए मैं का करूं। देखिए सेकंड अंतरा में कितनी सुंदर उपमा दी गई है। मतलब ये कि चांद से तारे बात कर रहे हैं, तो और चांद सितारे और
जल किसके बरस रहे हैं? नैनों से, हमारी हीरोइन साहिबा के। और फिर तेरी याद में रो रो मरूं, बाप रे इतनी अश्रुधारा बह रही हैं कि याद में ये रो रो मरने की बात कर रही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे मत रो भाई इतना बाल्टी भर जाएगी, कुछ इसी तरह से। लेकिन क्या करें, अब याद आ रही है तो इतनी ज्यादा, इतनी सुंदर उपमा के साथ में हसरत जयपुरी जी ने इसको लिखा है और उतना ही कर्णप्रिय संगीत भी बना है। दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ मैं, ये जो 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और 1947 में बंटवारे के समय, उस समय की जो टॉप मोस्ट गायिका थी नूरजहां जी को जब माना माना जाता था, ऐसा हम लोग के तो सुनने में आया है और कहीं हमने सब मैगजीन्स में किताबों में पढ़ा भी है। तो क्या हुआ, बंटवारे के बाद में नूरजहां जी चली गई थी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान चले जाने के बाद में उनका गायन तो वहां स्टार्ट हुआ और हमारी उस समय उभरती हुई गायिका थी हमारी भारत रत्न लता दीदी। तो इन्हें एक ये बहुत अच्छा मौका मिल गया तेजी से ऊपर आने का, वरना तो दोनों का कंपैरिजन ही होते रहता था, लता दीदी का, नूरजहां जी का, और इनको नया नया चांस मिला था। तो अथक परिश्रम से, लगन से, और कुछ थोड़ा किस्मत से कहते हैं कि उनके जाने के बाद में इनके लिए एकदम खुला रास्ता मिल गया और लता दीदी तेजी से, अपने वॉइस भी उनकी पहले उन्हीं के जैसी थोड़ी सी नोजल वॉइस निकलती थी जैसे नूरजहां जी की थी। लता दीदी का यही गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें क्लिक होगा कि वॉइस उनकी वैसी नहीं है जो बाद के गानों में आई है। तो बहरहाल चलिए, इतना खूबसूरत गाना आपको पसंद आएगा तो आप इसे प्लीज पूरा सुनिएगा और आगे भी हम ऐसे ही सुनाते रहेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नए गाने के साथ में।